पहला टॉपिक है दृढ़ता, दूसरा टॉपिक है संपीड्यता, तीसरा है तरलता, चौथा है बर्तन में गैस का भरना, पांचवा है आकार, छठा है गतिज ऊर्जा। ठीक है, और इस सबको अभी लाइन बाय लाइन टोटल बताएंगे। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ क्या होता है, इससे क्या समझ में आता है, उसे क्या होता है वो बताएंगे। तो दृढ़ता, जब पदार्थ के कोनों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है और उसको तोड़ना या दबाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, तो उसको पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहा जाता है। और जो पदार्थ जितना दृढ़ होता है, जितना मजबूत होता है, उसका कणों की गति उतना ही कम होती है और उसके आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। संपीड्यता, संपीड्यता तो पदार्थ के कणों के बीच का अंतराल, ठीक है, यानी कि उसके बीच कितना का जगह है और आकर्षण बल वो कितना खींचता है, तो संबंधित उसका जो गुण है उसे संपीड्यता कहा जाता है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच के अंतराल तथा आकर्षण बल से संबंधित उसका गुण है जिसे संपीड्यता कहा जाता है। पदार्थ को जब संपीड़ित किया जाता है तो उसके कणों के बीच का अंतराल घटता है और आकर्षण बल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है तरलता, आसानी से बहने वाले पदार्थ को तरल कहा जाता है, जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया इत्यादि, क्या था वो आसानी से बहने वाले पदार्थ है, तो आसानी से बहने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो तरल कहा जाता है। और पदार्थ के इस गुण को तरलता कहा जाता है। अब आते हैं गैस, बर्तन में गैस का भरना, तो गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर रखने को गैस, बर्तन में गैस का भरना कहा जाता है। गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर रखने को बर्तन में गैस का भरना कहा जाता है। नेक्स्ट है आकार, कोई पदार्थ जितना ज्यादा छेंकता है वह उसका आकार कहलाता है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वस्तु की गति के चलते, ठीक है, वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब गतिज ऊर्जा का यहाँ पर फॉर्मूला है कि 1/2 mv² फॉर्मूला, 1/2 mv², जहाँ m बराबर द्रव्यमान और v बराबर a, तो m से होता है मास और v से होता है वेलोसिटी।